अपने चैनल को फॉर राइट। काफ़ी दिनों बाद आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ मैं, तो आज मैंने सोचा है हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट कर लेते हैं एक यूट्यूब के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से छोड़ दी थी मैंने, सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो से काम चला रहा था मैं, और उसके देखते देखते मेरे सब्सक्राइबर गेंस हो गए हैं, 1000 कम्प्लीट हो गए हैं, और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज की वीडियो है आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। तो आज का जो टॉपिक है ये है एफ जेड में, जो कुछ लोगों ने देखा होगा परचेज पे एक दो साल बाद जब बाइक को हम थ्रोटल देते हैं तो उसमें झटका सा महसूस होता है, वो गाड़ी खुल के नहीं भाग पाती है। अब उसका मुख्य मेन कारण क्या होता है, ये होता है फ्यूल इंजेक्शन। एक्चुअली क्या होता है, कार्बोरेटर वाली बाइक में कार्बोरेटर होता है और फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक में फ्यूल इंजेक्टर होता है, और इंजेक्टर को दिखाया जाए तो इंजेक्टर होता है ये जो मेरे हाथ में है, जूम करना। तो गाइस ये होता है एक तरह का फ्यूल इंजेक्टर, ये इसके साथ लगी होती है जाली जो फ्यूल को क्लीन करके एब्जॉर्ब करके इसमें से इसमें डालती है और ये इंजेक्टर में नीचे जाती है। होता है इसका फ्यूल इंजेक्शन का मोटर जो टंकी में होती है, इंजेक्टर अलग होता है और फ्यूल इंजेक्शन का पंप होता है ये अलग होता है, ये होता है गाइस पंप। अब ये क्या होता है, जब हम चाबी ऑन करते हैं बाइक में तो आप लोगों ने नोट किया होगा तो चाबी घुमाते ही एक टंकी में वाइब्रेशन सी महसूस होती है, वो वाइब्रेशन इसी की होती है, ये जाली से फ्यूल खींच के पीछे इंजेक्टर में भेज देता है। और अब इंडिया में जो प्रॉब्लम है किसी किसी पेट्रोल पंप पे मोस्टली पे है कि पेट्रोल अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, एक पेट्रोल आता है 91 ऑक्टेन का जो हल्का होता है पेट्रोल जिसे हम नॉर्मल पेट्रोल बोलते हैं, और एक होता है पेट्रोल 97 जिसको हम बोलते हैं पावर बोल दो या फिर एक्स्ट्रा पावर बोल दो, जो हाई पेट्रोल होता है जो नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा 8 रुपये कॉस्टली होता है। अगर हम वो वाला फ्यूल इस पेट्रोल इन फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में यूज़ करें तो ये इंजेक्टर की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें थोड़ा बहुत कचरा आता है और कचरा जो इसमें इंजेक्टर में जाता है जाली में तो इस जाली को ख़राब कर देता है, जो कचरा होता है वो इसमें जम जाता है, ऐसे ही वो इसमें फिर अंदर कहीं ना कहीं जम जाता है जिससे हमें आगे चल कर बाइक चलाने में परेशानी आती है, हम बाइक को पूरा भगा रहे हैं और बाइक झटका ले रही है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली मैंने नॉर्मल पेट्रोल बहुत डलवाता था बाइक में, तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि इसमें पावर वाला फ्यूल यूज़ करो 97 ऑक्टेन का, तो मैंने फिर ये चेंज कराया, मेरे को इसकी कॉस्ट कटिंग जो पड़ी पूरा सब मिला के 6-7,000 रुपीज़ मेरा खर्चा आया। हालांकि ये वाली जो मोटर होती है अब ये अमेज़ॉन पर भी मिलने लग गई है, मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अमेज़ॉन का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो अगर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूल इंजेक्टेड पंप के लिए, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। जब से मैंने ये चेंज कराया है मैं पावर वाला फ्यूल डलवा रहा हूँ बाइक में अपनी, तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है, बाइक बहुत अच्छी चल रही है। और मैं अपने जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जिनके पास एफजेड है या फ्यूल इंजेक्टेड की कोई भी बाइक है तो वो अपनी बाइक में पावर का फ्यूल यूज़ करें जो नॉर्मल पेट्रोल से 7-8 रुपये ज़्यादा महंगा होता है। अब ये मत देखिए आप कि पेट्रोल का प्राइस उससे 7-8 रुपये ज़्यादा है, अब ये देखिए कि पेट्रोल नॉर्मल से 7-8 रुपये ज़्यादा है, आपको वो पैसे देखने हैं या आपकी बाइक की मेंटेनेंस देखनी है, अगर पेट्रोल आप अच्छा यूज़ करेंगे तो इसकी लाइफ बेटर रहेगी, ना इसमें कचरा जमा होगा ना कुछ, और आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे अभी क्लोज, किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे आगे, किसी जिसको कुछ वीडियो के बारे में जानना हो एफजेड के बारे में कुछ जानना हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, तो कमेंट में कर सकता है कि इस टाइप की वीडियोस बनाइए, वो मैं बना दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।